नमस्कार। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया बाल विकास का जो पोर्शन था आपके लिखित का, और आपने डिमांड की। बहुत मैं मुसीबत में थी, नहीं आ पा रही थी, लेकिन इतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो है मैं आपको दे सकती हूँ सीटेट की। और इसके लिए हम आपको ये भी जानना है कि पढ़ना कैसे। देखिए, आप आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आप खुद से पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि शिक्षक क्या होता है, परामर्शदाता होता है, सुविधा प्रदाता होता है। तो यहाँ पे हमें वही रोल आपके लिए प्ले करना है कि हम क्या है, आपके लिए एक मार्गदर्शक है। आपको किस रास्ते पे जाना है कि हम आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं करा सकते, आप खुद क्वालिफाई करेंगे अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है। बस हम क्या करेंगे, आपको एक डायरेक्शन देंगे। तो बात करते हैं सीटेट की। सीटेट, इसमें जो टी दिख रहा है आपको, ये है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात एक शिक्षक बनने का एक स्टैंप आपके ऊपर लगाने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कराती तो सीटेट, स्टेट कराती है तो जैसे यूपी कराती है तो यूपीटेट हो जाता है, छत्तीसगढ़ का टेट है, बिहार का टेट है। तो सबके जो होते हैं, जो उद्देश्य होता है सीटेट, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का, वो एक ही होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर अध्यापक बनने के गुण हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक ही है जो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। जैसे अभी जो कांड हुआ, हमारे जो सैनिक शहीद हुए, आपने देखा होगा, तो बहुत दुख की बात है। बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी इस सब घटनाओं को देख के। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक शिक्षक का क्या रोल है कि उसको हर स्टूडेंट के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना जो है उसको प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, उसके अंदर एक नेतृत्वकर्ता के गुण ले आने हैं, या उसको डेवलप करना है, मॉडिफाई करना है, उसको सर्वांगीण विकास उसका कराना है। तो यहाँ आप एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट आपको एग्ज़ाम कराती है, कोई कंडक्ट कराती है, तो उसका एक ही एम होता है कि वाह, ये देखिए कि आपके अंदर वो गुण है कि नहीं। और ये जो सीटेट होता है, ये बहुत ही ब्रॉडली ये एग्ज़ाम कराता है। इस प्रकार से इसके प्रश्न रहते हैं कि वास्तव में आप शिक्षक बनने लायक है कि नहीं। यूपीटेट की बात करें तो आपको पता है कि 30 नंबर का बाल विकास और शिक्षण पूरा आता है। लेकिन सर सीटेट की जब भी हम बात करते हैं तो आखिर ऐसा क्या है कि इसमें 30 नंबर ये अलग सेपरेट, जिसमें 15 बाल विकास, आपका बाल मनोविज्ञान और बाकी क्या शिक्षण और कैसे बच्चे को पढ़ाना है, बाकी ये 15-15 नंबर जो हर पोर्शन में आपका दिया हुआ है, इसके देने का क्या मतलब है। देखिए, आप ग्रेजुएट होके आए हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकता है, आपका साइंस बहुत अच्छा हो। जैसे अगर 1 to 5 का करेंगे तो इसमें साइंस नहीं है, इसमें क्या है, पर्यावरण, ईवीएस है, ठीक है। और अगर 6 to 8 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, साइंस, मैथ, और एक क्या है, सोशल साइंस। तो यहाँ पे आपका जो 50% जो पोर्शन होता है क्वेश्चन का, वो किससे होता है, आपके सब्जेक्ट से। लेकिन आपका जो 50% पोर्शन होता है वो ये देखते हैं कि आपको आता तो है, लेकिन आप क्या एक बच्चे के अंदर ये चीज़ें डाल सकते हैं, या आप एक अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, मतलब एक शिक्षक होने के गुण आप में है कि नहीं। तो यही इसका उद्देश्य है सीटेट कराने का, कि वो देखना चाहते हैं कि आप वास्तव में शिक्षक बनने लायक हैं कि नहीं। अगर देखा जाए तो पहले जो हमारी व्यवस्था थी, गुरुकुल की व्यवस्था, तो उसमें जो शिक्षक का स्टैंप लगा था, आपको पता है किस पे लगा था, ब्राह्मणों पे। माना जाता था कि एक ब्राह्मण जो होता है वो बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, ठीक। उसके बाद बौद्ध में भी, बौद्ध भिक्षु हुए, उनको एक क्राइटेरिया वो प्ले करना पड़ता था कि हाँ, हम ये चीज़ें रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, तब हम शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शिक्षा का विकास होता चला गया समय के साथ, वैसे वैसे शिक्षक की क्राइटेरिया क्या हुई, बदलती गई। अर्थात पहले फिक्स कर दिया, नहीं यही बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो कोई नहीं बन सकता, ठीक। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आप ये नियम फॉलो करेंगे तो बनेंगे। फिर मुस्लिम काल में हुए, फिर कातिब, आलिम, ये सब जो हुए। उसके बाद फिर अभी आधुनिक में तो आपने सारे जितने भी कमीशन है सब पढ़े होंगे। तो वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जिसको इतना बड़ा कार्यभार दे रहे हैं कि हाँ, वो राष्ट्र का निर्माता है, वो बच्चों का जो भविष्य है उसका निर्माता है, या बच्चों का मार्गदर्शक, किसी का भविष्य बनाता है, या राष्ट्र के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, या आदर्श व्यवसायी है, क्योंकि शिक्षण क्या है, एक आदर्श व्यवसाय है। तो वास्तव में उसके अंदर कुछ गुण हैं कि नहीं, बस इतना सा वो देखना चाहते हैं। तो आपको पता है 150 आपका प्रश्न होता है, नंबर होता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अगर जनरल देखें तो क्या होगा 90 मान लीजिए, अदर के लिए आपका 82, 83 इस प्रकार से दिया गया। लेकिन यहाँ पे सीटेट जब भी बात करेंगे तो क्या देखते हैं कि ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है आपका पासिंग मार्क ही इतना आपका पूरा शिक्षण से रिलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्ट नहीं आता तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन देखिए इतना बड़ा पोर्शन आपका पूरा क्या करता है, मनोविज्ञान और शिक्षण आपका ऑक्यूपाई करता है। तो आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको एक वास्तविक शिक्षक की तरह सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से। मतलब आप ऐसा नहीं कि मुझे ये लगता है मैं करूँगा या मुझे ये लगता है मैं ये सोचूंगा या बच्चा ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ेगा, मैं ऐसे उसको ये मटेरियल दूंगा तो पढ़ेंगे। वहाँ पे जो NCF है, RT है, जो बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में शिक्षक के रोल को पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। तो इस प्रकार से आपको ऐसी थिंकिंग लानी है अपने अंदर कि वास्तव में आपके अंदर एक शिक्षक के गुण उत्पन्न हो जाए। ठीक है, प्रश्न भी वहाँ बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अक्सर क्या होता है 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन में कभी कभी चारों ऑप्शन लगते हैं, नहीं चार तो कम से कम 3 ऑप्शन तो सही लगते हैं, क्योंकि वो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिकल प्रश्न होता है। जब तक आप अच्छे से बाल मनोविज्ञान का या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो पेडागॉजी है आपको नहीं पता है, आप नहीं कर सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ से आप क्या है, M.sc है, B.sc है या इंटर तक ही पढ़ा है, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता मैथ। ठीक है, तो आपने 15 प्रश्न तो आपको कर लेने, लेकिन आपने अगर ABCD नहीं पढ़ा शिक्षण का मैथ के, तो आप वहाँ 15 बाकी 15 में से तुक्के से प्रश्न सही कर सकते, वरना नहीं। क्योंकि कोई विधि मैथ में सही है, पर्यावरण में नहीं, कोई विधि साइंस में सही है, मैथ में नहीं, कोई सोशल साइंस में है, मैथ में नहीं। तो आपको तो वहाँ लगेगा कि आगमन विधि, ये हम आगमन विधि से पढ़ा देंगे। अरे भाई, उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और एनालिसिस आप ही को करना है। यहाँ हम लोग एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम मुझे है तो मैं ऑफलाइन क्लासेस तो आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस देने का पूरा प्रयास करूँगी कि आपका सिलेबस पूरा कवर करूँ। कोशिश करूँगी मैं आपको बाकी जो सब्जेक्ट है उनके शिक्षण में बता दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे लैंग्वेज का आप पढ़ते हैं तो उसमें जो विधियाँ हैं वो अलग अलग हैं। शिक्षण विधि लैंग्वेज में देखेंगे बायलैंग्वेज मेथड है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ना। तो इस प्रकार से उसमें आपका डिफरेंट हो जाता है कि हाँ, टीचिंग मेथड हम कहीं और, मैथ में अलग पढ़ते हैं, साइंस में अलग पढ़ते हैं, और आपका जो सोशल साइंस है उसमें अलग पढ़ते हैं, और लैंग्वेज में अलग पढ़ते हैं। मतलब लैंग्वेज की जितनी भी टीचिंग मेथड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ किस प्रकार से सोचना है। अगर आप भाषा के शिक्षण को सोच रहे हैं तो आप ये दिमाग में रखें कि हम भाषा पढ़ा रहे हैं, मतलब उसको गद्य पूछ रहा है तो गद्य पढ़ा रहे हैं, पोएट्री पूछ रहे तो पोएट्री पढ़ा रहे हैं। तो पोएट्री पढ़िए, आप पढ़े होंगे अच्छे से और कहीं आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको वो प्रश्न बहुत सरल लगेंगे, लेकिन आपने नहीं की तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये मेथड इस प्रकार से यूज़ करने पे बच्चा जल्दी शब्द सीखेगा, बच्चा जल्दी वाक्य सीखेगा। जैसे क्या अभी कोई कोई होता है कि वाक्य से सिखाते हैं, जैसे क से कबूतर, तो क से कबूतर बताते तो वो वर्ड है क, और यहाँ क्या है कबूतर। ये लैंग्वेज की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ क्या बच्चों के बुक में आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है कबूतर करता गुटर गु, तो उसका क्या मतलब है, अर्थात कोई ऐसी तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कोई रीज़न होता है जो इस प्रकार से देते हैं। अनार के दाने लाल लाल, आम खाए मिट्ठू लाल, इस प्रकार से जो एग्जाम्पल देते हैं उसमें तो वो एक मेथड होता है कि बच्चे कभी कभी गाने के स्वर में, मतलब कभी या जैसे पोएम सुनते हैं तो ये सब चीज़ें जल्दी याद करते हैं। जैसे उनको याद होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो बच्चा उसकी मीनिंग नहीं जानता लेकिन वो फ्रिक्वेंटली वो जो वर्ड होते हैं वो बोल लेता है। तो यहाँ आपको हर चीज़ को समझना है कि किस प्रकार से मैथ पढ़ाना है, किस प्रकार से साइंस पढ़ाना है या यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और ये सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप KVS, नवोदय और अन्य यहाँ पे स्टेट वाले भी दे सकते हैं। तो आपको ये समझिए एक ऐसा ठप्पा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलेगा कि आप टीचर बनने लायक हैं। हाँ, तुक्के से भी हो सकते हैं, ये अलग बात है कि हाँ आपका भाग्य साथ दे दिया कि हाँ हम लगा रहे थे तुक्का लग गया, तो हर बार नहीं, फिर छोड़ दीजिए, आप ये पास कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं रही तो बच्चों को क्या देंगे, वही देंगे जो आजकल हो रहा है, जो आजकल बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है नहीं मिल पाती। अर्थात आज के ज़माने में अभी प्राइमरी के टीचर बनने के लिए इतनी फाइट है कि हम बनेंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत आराम की नौकरी है, इसीलिए वहाँ पढ़ाना नहीं उनको, कोई गार्जियन नहीं उतना ज़्यादा, सबकी बात नहीं कर रही हूँ कुछ की, कि गार्जियन इतना अवेयर नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ने के नहीं, अब वो जाएंगे तो हाँ वो पढ़ाते मिलेंगे, हाँ उनको नहीं पता, जो नहीं पढ़े लिखे उनके बच्चे क्या नहीं पढ़ सकते। आप इस प्रकार से जो है कार्यक्रम लगा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि किस प्रकार से सोचें। यहाँ आपको सोचना है, चिंतन करिए, क्योंकि यहाँ के प्रश्न आपके बोध और चिंतन स्तर के होते हैं। साथ ही आप जो सोचते हैं, एक बंद परिपथ होता है, एक खुला परिपथ होता है, तो यहाँ जो आपके विचार का परिपथ बनाना है वो खुला होना चाहिए। सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, एनवायरनमेंट हुआ, आपका हेरिडिटी हुआ, हर चीज़ उस एनवायरनमेंट में। जैसे पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम लेकर बोलता है कि इस प्रकार से इसको पढ़ाना है, तो आप कहते हैं कि हमने पढ़ा था, ये विधि बहुत अच्छी है, इससे पढ़ा सकते हैं। देखिए उसमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन बाउंड प्रश्न आपके जो होते हैं वहीं आपको स्कोर करा सकते हैं और वहीं आपको क्लियर करा सकते हैं सीटेट। तो बहुत बड़ा ये युद्ध नहीं है, हर साल बहुत सारे लोग पास होते हैं, बिना किसी गाइडेंस के भी पास होते हैं, सबके अंदर होता है ऐसा कुछ कि हाँ वो टीचर बन सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना पैसा लगाया है बीएड में, बीटीसी में, और वास्तव में अभी तक उन्हें नहीं पता चल पाया कि किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको अब समझने की ये ज़रूरत है कि कल नहीं था, इसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आज को आप बदल सकते हो। अब आगे से आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, कोचिंग करे ना करे, आप खुद से मेहनत करेंगे और खुद से क्वालिफाई करेंगे और एक अच्छा शिक्षक बन के दिखाएंगे। तो होता है ना, बहुत गधा बच्चा रहता है और पता चलता है टॉप कर जाता है आईएएस बाद में, तो लोग कहते हैं अरे बचपन में कैसा था। वो ये नहीं देखते कि बीच में उसके साथ क्या घटा है ऐसा कि नहीं वो एकदम नहीं पढ़ता था और उसने कर लिया। और बहुत तेज़ बच्चा शुरू से, वो भी क्या करता है कभी कभी एकदम जॉबलेस रहता है। तो यहाँ पे कोई किसी को बदल नहीं सकता, आप खुद को ही बदल सकते हैं खुद से। थोड़ी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ भी हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आप जितनी भी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही जाइए किसी स्कूल में, आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगल बगल स्कूल है, बात करिए, बच्चों से बात करिए, अगल बगल के बच्चे हैं बात करिए, कैसे सीखते हैं बात करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए भले शिक्षक बने ना बने, आप समाज के एक ऐसे मतलब प्राणी हैं जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर दायित्व है, क्योंकि आपने एक शिक्षक बनने के मार्ग पे कदम रख दिया, आपने किया, आपके ऊपर गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है, सिर्फ आपने पैसा नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने भी आपको आपके ऊपर पैसा लगाया, तो आप उसको वेस्ट मत करिए, मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए कि इस बार पार हो जाए। ठीक है, बार बार फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देने जाना, दूर दूर सेंटर, हम लोग क्या है कभी जौनपुर में सेंटर नहीं होता है, हम लोग जितने एग्ज़ाम कई छोड़ देते हैं कि अरे कौन जाएगा इलाहाबाद, कौन जाएगा बनारस, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो लड़कियों के साथ, तो आपको पता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो एक ही बार जाएँ, मेहनत करें और क्लियर हो गया है तो आप मेहनत करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सकता है हम अपना बेस्ट देंगे और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले हम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज से ही आप क्या करेंगे, तैयारी में लग जाएंगे।